भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। माननीय सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। देखिए, जो महापुरुष जिन्होंने इस भारतवर्ष में जन्म लिया, जहाँ तक उनकी कमी की बात है, इररिपेरेबल लॉस है। और इस लॉस को, इस कमी को हम पूरा तो नहीं कर सकते, मगर आज के इस दिन पर उनके विजन को, उनके विजडम को भारतवर्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज पूरा विश्व इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि अपनी शख्सियत के नाते अटल जी ने हर लिहाजे में कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल संगठन में अपनी कंट्रीब्यूशन देने की बात हो, चाहे 40 साल से भी ज़्यादा समय सत्ता में एज ए मेंबर पार्लियामेंट अपनी कंट्रीब्यूशन देने की बात हो, चाहे एज ए मिनिस्टर उनकी कंट्रीब्यूशन की बात हो, एज ए प्राइम मिनिस्टर जो जो भी उपलब्धियां उन्होंने अपने जीवन में की, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है, हम सब के लिए एक ट्रेंड सेटर है। और आज इस दुख की घड़ी में जिस भाव, जिस तरीके से अटल जी ने अपना जीवन जिया, दोनों ही तरफ से, चाहे भौतिकवाद हो चाहे आध्यात्मिकवाद हो, अटल जी ने दोनों तरफ, दोनों चक्के के दोनों पे ये साथ चलाए और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत्र बने, और विशेषतर इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। अगर मैं आज भी ये बात कहता हूँ, अगर ये रियासत जम्मू कश्मीर इस हिंदुस्तान का अंग है, उसमें जनसंघ और अटल कर उस कंट्रीब्यूशन के लिए हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि विजनरी होने के नाते वो इस बात को फोर्सी करते थे कि इस देश की आने वाले दिनों में समस्या क्या है, उन समस्या को लेकर चले, संगठन के आदमी थे, संगठन के साथ लेकर चले। और ऐसा नहीं, मेरे ख्याल इस 72 साल की आज़ादी पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा के बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, जिसकी अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अक्रॉस एनी रिलीजियस एफिलेशन,